बिट्टू संगठन के नेताओं का शुक्रिया अदा करते हुए जैसे ही विधानसभा पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए सबसे पहली तस्वीर, सबसे पहला अपडेट न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को देगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बच्चियों से दरिंदगी के बीच बदलापुर सुलगा है। शहर में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। एक्शन में शिंदे सरकार नजर आ रही है। बेटियों से दरिंदगी और बदलापुर में बवाल जमकर हुआ। प्रदर्शनकारी का पथराव देखने को मिला। पुलिस ने ऐसे में लाठीचार्ज किया। बदलापुर कांड में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। बच्ची के यौन शोषण की अब जांच एसआईटी करेगी। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आया था, जहां पर अभिभावक और ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की थी, उस बात बचाया था, प्रदर्शन किया था। बदलापुर में भीषण बवाल। गुस्साए लोगों का हंगामा। यौन शोषण के खिलाफ गुस्सा। स्कूल में बच्चियों से गंदी बात। हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है जिन्होंने ये केस को फास्ट ट्रैक में भेजा। सुलग उठा बदलापुर। ये तस्वीरें आक्रोश की आग में जल रहे महाराष्ट्र के बदलापुर की हैं। बदलापुर में एक स्कूल में 3.5 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर गुस्साए लोगों ने आज जमकर हंगामा मचाया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले उस स्कूल को निशाना बनाया जहां नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। गुस्साए लोगों ने स्कूल का गेट तोड़ दिया और उग्र भीड़ स्कूल के अंदर घुस गयी। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन का रुख किया, जहां पर विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। कई घंटों तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही थम गई। प्रदर्शनकारियों की बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बदलापुर की इन 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना ऐसे समय पर हुई जब पहले ही देश कोलकाता रेप कांड जैसी भयावह घटना से दहला हुआ है और आए दिनों महिलाओं के खिलाफ अपराधों की नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। बदलापुर की इन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी स्कूल का ही 23 साल का सफाई कर्मी है, जहाँ ये हर रोज पढ़ने जाती थी। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यौन शोषण का खुलासा तब हुआ जब बच्चियों ने इसके बारे में अपने अभिभावकों को बताया।
दोनों बच्चियों के परिवार ने मेडिकल जांच कराने की मांग की और थाने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संज्ञान लिया है। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। उधर अजमेर